आज की इस प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आपको मालूम भी है, मंत्री जी आज सुबह ही दिल्ली से आए हैं और यहां पर पूरे कार्यक्रम में समीक्षा करने के बाद में, बेनिफिशियरी से मिलने के बाद में यहां पे पहुंचे हैं हम लोग। तो बिना समय व्यस्त गवाए हुए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप क्वेश्चन लें। नहीं नहीं, वील गो टू द क्वेश्चन स्ट्रेट, वी कैन स्टार्ट क्वेश्चन। जस्ट रिक्वेस्ट कि आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर लें सवाल पूछने से पहले, और फिर मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सवाल का जवाब देने की। चलिए, यस प्लीज, वी कैन स्टार्ट नाउ। यार भैया जरा हो गया, फोटोग्राफ हो गया, अब आई हैव वांट टू फेस दैट। हो गया, और ले लेना यार फोटो, मैं यही अभी, डोंट पीट देयर। अरे बाकी लोग बैठे ना, रहने दो। हो गया हो गया, चलो। यस मैडम, यस। कहां से? एडिटर न्यूज कश्मीर। ओके, कश्मीर न्यूज। न्यूज कश्मीर, न्यूज। सर मेरा क्वेश्चन है, जो हमारे बंड्स है, बंड के टॉप्स जो है उन पे अभी वो कंक्रीट हो रहे हैं। जैसे हमारी 2014 में हमारे यहाँ बाढ़ आई थी, ब्यूटिफिकेशन भी ठीक है, स्मार्ट सी है, ओके, लेकिन उस चीज का भी ख्याल रखना है कि कल को अगर वैसी स्थिति फिर से हो जाती है तो उस टाइम स्टैंड बाय बिल हम कैसे करेंगे? देखिए, मैं लोकल, जो एकदम स्पेसिफिक लोकल इशू है, जैसे कि मेरे घर के आसपास जो एक चौराया है वहां पे थोड़ा सा खड्डा है, वैसे सवाल मुझे आंसर करने बड़े मुश्किल होंगे। मैं अपने, सुनिए मेरी बात सुनिए, पॉलिसी लेवल पे और हम लोग क्या कर रहे हैं। देखिए, मैं कश्मीर, श्रीनगर, जम्मू, बाकी एरियाज, मेरी 70 साल आयु है, मैं पिछले 50 साल से आ रहा हूं, ठीक है। अभी मैं क्या देख रहा हूं, आज मैंने सेंट्रल स्कीम सारी जो है रिव्यू की है। जो सेंट्रल स्कीम्स हैं, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला स्कीम, ये दो मेरे अपने मंत्रालय की है, स्वनिधि स्कीम स्ट्रीट वेंडर्स की, स्मार्ट सिटीज मिशन, मैंने रिव्यू किए हैं और मुझे बड़ी खुशी हुई देख के कि जो भी आपके लोकल उन सेंट्रल स्कीम्स के टारगेट थे वो या 100% इम्प्लीमेंट हुए हैं या इम्प्लीमेंट होने जा रहे हैं। हाँ, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो, जैसे स्मार्ट सिटीज मिशन है, स्मार्ट सिटीज में आपका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तो बन गया है, पर बाकी प्रोजेक्ट्स टेंडर्ड है, काम हो रहा है। जैसे काम हो रहा है उसके दौरान किसी चीज की असेसमेंट करना सही नहीं होगा। मैं उसके कई उदाहरण देता हूं, क्योंकि एक बार काम खत्म हो गया तो आपकी कैपेसिटी टू मीट फ्लड वाटर, एक बार वहां पे कंक्रीटाइजेशन हो गई है, एक बार वो कंक्रीट बन गया, फिर उसके बाद देखिए, यू नेवर नो कि दिस इज, मतलब बाढ़ तो हम दैट इज नॉट श्योर, देखिए कभी भी हो सकता है, तो स्टैंड बाय नहीं हो सकता। नहीं, आई विल टेल यू मैडम, आई गिव यू कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स। अर्बन फ्लडिंग को डील करने के लिए, इफ योर क्वेश्चन इज ऑन अर्बन फ्लडिंग, बहुत चीजें, बहुत सारे स्टेप्स हमने लिए, बहुत स्टेप्स लिए हैं और बहुत स्टेप्स और लेंगे। होता क्या था, जब इन चीजों पे फोकस नहीं था तो व्हाट यूज्ड टू डू, अगर एक कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट है, वेस्ट एट द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन, क्या कहता था, दिन भर का काम हुआ, लंच टाइम पे भी गाहक आए, शाम को भी आए, वो सब्जी काटी, वो जो कचरा था आखिर में जो घर के बाहर या रेस्टोरेंट के बाहर गली उसमें छोड़ दिए, वहां पे नाली भी ब्लॉक हो गई, वो हो गया। तो हम वेस्ट प्रोसेसिंग की जो बात कर रहे हैं, देखिए एट द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन उसको सेग्रेट करते हैं सॉलिड वेस्ट और वेट वेस्ट। वेट वेस्ट का तो कॉम्पोस्ट बन जाता है, वो आप लोकली भी यूज करते हैं और जगह भी करते हैं, देयर इज सॉलिड वेस्ट हैज टू बी कन्वर्टेड टू एनर्जी। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं, फिगर्स देता हूं। 2014 में जब मोदी जी ने दायित्व संभाला दिल्ली में, उस समय हमारी परसेंटेज ऑफ सॉलिड वेस्ट जो प्रोसेसिंग करते थे कोई 17% थी मैडम, उसको चलते चलते हम ले आए कोई 75-80% तक। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले कुछ ही समय में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, इन्वेस्टमेंट करके, और हम सुएज ट्रीटमेंट प्लांट्स, वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी, देश भर में ये हो रहा है। अभी आप जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम कह रहे हैं एटसेट्रा, वो अभी काम चल रहा है वहां पे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो काम होगा उसको, प्रोजेक्ट को कंप्लीट होके, जो आप सिचुएशन करेंगे बाद में क्या होगा, सब सही होगा।
मेरा अपना एग्जाम्पल है, मैं अभी जब हम लोगों ने कर्तव्य पथ बनाया दिल्ली में, जब मैं उस पर काम चल रहा था तो बहुत लोगों ने उस पर बयान दिया, उस पर रिप्रेजेंटेशन भी लिखी, उसमें कई बड़े सीनियर लोग थे, उन्होंने कहा कि इसका इससे ग्रीनरी ग्रीन कवर कम हो जाएगा। उन्होंने बोला यहां पे जो जामुन पेड़ है वो उखाड़े जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये सारा बाढ़ आएगी तो ये हो जाएगा, अंडरपास फ्लड हो जाएगा। तो मैं यही कहता हूं कि जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, मैं पिछली 5-6 बार आया हूं, मैंने आपके स्मार्ट सिटीज के प्रोजेक्ट देखे, हैंगिंग गार्डन देखा, बाकी देख, आप थोड़ी सी पेशेंस एंड आई एम श्योर द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, नॉट ओनली टू योर सेटिस्फैक्शन, पर इन चीजों में इट्स ए नॉट एन इंडिविजुअल असेसमेंट। अभी मैं कर्तव्य पथ में लोगों को, मैं जब इंटरव्यूज देता हूं लोगों को दिखाता हूं, मैं पूछता हूं, आप पूछने वाले नहीं कि वो जामुन पेड़ कहां गए, कह रहे सर हम कैसे पूछे, आप तो उसके नीचे खड़े हो, एक भी पेड़ नहीं उखाड़ा गया। ये भी जो आपकी लोकल प्रॉब्लम है, और माफी चाहता हूं, मैं लोकल इश्यूज का आई एम नॉट फेमिलियर विद एग्जैक्टली, मतलब कि मेरे घर के बाद एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है। थैंक यू मैम, कैन वी गो टू द अदर साइड। यस, मेरा नाम फरहत है, आई वर्क विद ईटीवी भारत। यू वर्क फॉर ईटीवी भारत? ईटीवी भारत, आई गॉट इट, आई गॉट इट। सर मेरा क्वेश्चन जो हाउसिंग पे है, जो अर्बन हाउसिंग और रूरल हाउसिंग, जो आपने कहा आईएमए में जो केसेस होते हैं, जो पीआरआई की टूटी वो काफी कम होते हैं, तो एज ए सपोज अगर बस्ती में 10 बंदे होंगे तो एक को मिलता है, एज एन से तो वो 9 बहुत पीछे हो जाते हैं, वो क्योंकि मकान नहीं बना सकते। उसी तरह से जो श्रीनगर हमारी सिटी है, यहाँ जो अर्बन हाउसिंग है उसमें भी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काफी कम केसेस। देखिए डाउन टाउन एरिया वहाँ हाउसिंग की बहुत है, देखिए ऐसे है, मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है, मैं पक्का नहीं कह रहा हूँ कि आपकी पूरी इस विषय पे जो जानकारी हो थोड़ी कंप्लीट नहीं हो। प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू हुई थी जून 2015 में। जब प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू हुई थी उस समय हर एक स्टेट राज्य से और यूनियन टेरिटरी से यह पूछा गया था कि आपके यहां प्रधानमंत्री आवास योजना की कितनी डिमांड है, डिमांड असेसमेंट की गई थी। और मेरे का मुझे, क्योंकि मैं उस मंत्रालय से जुड़ा हूं, मुझे अर्बन मंत्रालय के साथ थोड़ी जो एग्जैक्ट फिगर्स हैं, मैं आपको जेएनके के भी फिगर देता हूं। जो ओरिजिनल डिमांड असेसमेंट थी उसके तहत ये बताया गया कि प्रधानमंत्री जी का ये प्रोजेक्ट, उनका जो सपना है कि हर एक भारतीय नागरिक को एक मकान हो जिसमें शौचालय हो, किचन हो, उज्ज्वला का सिलेंडर हो, तो टोटल अर्बन सेक्टर में उसकी डिमांड असेसमेंट थी 1 करोड़। तो उस डिमांड असेसमेंट तो स्टेट गवर्नमेंट से आई है, हमने दिल्ली में बैठ के नहीं किए। पर जब हमने काम इस पर शुरू किया 2015 जून से और आज तक हम पहुंचे हैं, तो ये डिमांड थोड़ी बढ़ी। पहले थी 1 करोड़ 12 लाख बनी, उसके बाद 1 करोड़ 22 लाख, अब 1 करोड़ 22 लाख, 12 लाख बीच में थी, अब 1 करोड़ 22 लाख। अभी भी थोड़ा डाउनवर्ड रिविजन का कई लोगों ने किया कि हमें डिमांड चाहिए, फिर वो फुलफिल नहीं कर पाए, जो भी है। जहां तक जेएनके के फिगर्स हैं, मैं आपको बताता हूं, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन जो है 49,086 हाउसेज सैंक्शन फॉर कंस्ट्रक्शन अंडर द मिशन, जिसमें क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम में है 3,377, अफोर्डेबल हाउसिंग एंड पार्टनरशिप के हैं 1,008 और बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन के हैं 44,701। अब उसके मेरे बाकी फिगर्स है, कितने हाउसेस ग्राउंड हुए हैं, ये 49,086 सैंक्शन होते, 50,113 हाउसेस ग्राउंडेड, जिसमें 18,674 हाउसेस कंप्लीटेड एंड डिलीवर्ड, वो सारा बता देता हूं। अगर आप अर्बन और टोटल है और ये फिगर्स पब्लिक में है, ये आप, मैं जो आपको फिगर्स दे रहा हूं और हमारे स्टेट गवर्नमेंट वाले देंगे वो फिगर्स, दे विल बी द सेम, दे मे बी सम काउंटिंग इश्यू, बट दे आर सेम, बट ओवरऑल बता दो, अगर अर्बन और रूरल को आप नेशन वाइड मिला लें तो मेरा 1 करोड़ 22 लाख जो है वो 3 करोड़ बन जाता है। अब ये 1 करोड़ 22 लाख जो है, इसमें से हमने नेशन वाइड पैन इंडिया वाइज मुझे लगता है कोई 70-75 लाख ऑलरेडी डिलीवर कर दिए, और बाकी जो है दे आर एट एन एडवांस स्टेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। वो
थोड़ी देरी क्यों हुई मैं वही नहीं बता रहा क्योंकि महामारी थी और ये था, नहीं, स्टेट गवर्नमेंट्स अपनी डिमांड भेजते हैं, वो स्टेट के चीफ सेक्रेटरी के थ्रू आती है, फिर हमारी सेंटर में हमारे मंत्रालय में एक कमेटी है जिसका नाम है कमेटी फॉर द मॉनिटरिंग एंड सैंक्शनरिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स सीएमएसपी, वो देखती है कि ये जो डिमांड आ रहा है दिस डज दिस मीट द क्राइटेरिया फॉर द प्रधानमंत्री आवास योजना एंड द स्कीम इज ऑपरेटिंग वेरी वेल। जहां तक जेएनके के हैं, मेरे पास आपको सारी स्कीम्स के मैं आप फिगर दे दूंगा, आपके वो दीनदयाल योजना, अंत्योदय योजना, एनयूएलएम जो है, जो स्वनिधि स्कीम है उसके मैं दे दूंगा, और आपके आने से पहले मैं लाभार्थियों से, हमने कोई सब स्कीम्स के लाभार्थी थे, कईयों को जिन्होंने उज्ज्वला का था, कोई प्रधानमंत्री आवास योजना के थे, एक भाई साहब बोले जो जिनको सैंक्शन हुआ अभी हुआ नहीं, तो फिर मैंने मुझे बताया गया कि कुछ शायद 72 केसेस ऐसे हैं जो अभी फुलफिल करने हैं, इसलिए ये स्कीम्स अच्छी तरह चल रही हैं और हर एक मकान जो है ना प्रधानमंत्री आवास योजना में नहीं होता, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम बाकी लोग भी चलाते होंगे, कमर्शियल लोग भी चलाते हैं, पर प्रधानमंत्री आवास योजना के चार वर्टिकल्स हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग एंड पार्टनरशिप, जैसे राज्य सरकार उसमें थोड़ा सा मदद ज्यादा करती है, वो लैंड देती है और कुछ अमाउंट देती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है, जैसे हाइपोथेटिकली अगर राज्य सरकार जमीन दे रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों 1.5 लाख रुपए दे रहे हैं, इट्स अ पॉजिटिव, कुछ स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा भी दे रही है। बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन, आज एक भाई साहब जो जिनको उसका लाभ मिला वो कहते 1,68,000 रुपए शायद वो बता रहे थे उनको दिया गया, तो ये स्कीम्स आर ऑपरेटिंग वेल। एंड मैं तो जो भी इंटरेक्शन होता है, जो अभी लाभार्थियों से भी बात करें, मैंने कहा पूछा कि आपको कुछ चाहिए, कुछ लोगों ने एडिशनल चीजें आगे रखी बट नॉट ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम्स। जहांगीर फ्रॉम पीटीआई, सर पेट्रोल एंड फ्यूल प्राइसेस एंड गैस प्राइसेस काइंड ऑफ गोइंग अपवर्ड्स, दैट इज बट कुछ उम्मीद है नीचे आएंगी? देखिए पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस वर डीरेगुलेटेड, पेट्रोल प्राइसेस इन 2010 और डीजल प्राइसेस इन 2014। पेट्रोल प्राइस और डीजल प्राइस कैसे डिटरमिन होती है? हमारा क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स के लिए वी आर 85% डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स, तो आप इंटरनेशनल प्राइस देखिए, उसके साथ यू ऐड द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड फ्रेट एंड यू ऐड टू दैट द रिफाइनिंग मार्जिन एंड डीलर्स कमीशन, तो यू गेट द प्राइस, बट इन बिटवीन फैक्टर इन the taxes which the state government charge, VAT which is a percentage of the figure, and the excise which the central government charge. अब मुझे थोड़ी सी आपके क्वेश्चन के साथ हैरानगी है कि कब कम होंगी। आप आए, जहां मैं जाता हूं मेरे को, मैं प्रशंसा सुनता हूं कि दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल प्राइसेज यहां पे हैं और हमारे यहां स्टेबल है। स्टेबल कैसे हैं कि दो इंस्टेंसेज में, एक नवंबर 2021 और मई 2022 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय लिया कि जो सेंट्रल एक्साइज है वो उसमें हमने कम कर दी, और सेंट्रल एक्साइज कर दी और जो बीजेपी रूल स्टेट्स थे, ठीक है, उन्होंने भी अपना वैट कम कर दिया। कुछ ऐसे स्टेट्स थे जो, अब मैं पॉलिटिकल इश्यू पे नहीं जा रहा, जो नॉन बीजेपी रूल स्टेट थे उन्होंने अपना नहीं किया। एक स्टेट थी महाराष्ट्र, उस समय इट वॉज नॉन बीजेपी गवर्नमेंट, उन्होंने इम्पोर्टेड लिकर पे, दारू पे कम कर दिया टैक्स 300-350% से 150%, पर इस पे नहीं किया। तो अभी हमें चिंता दूसरी है, अभी चिंता है कि इंटरनेशनल प्राइसेस आर राइजिंग अगेन। तो कभी कभी मुझे साथ लोग मजाक करते हो, कह रहे हैं कि भाई कब बढ़ेंगे दाम, तो मैंने कहा आपको तो खुशी होनी चाहिए कि हमने स्टेबल रखे हुए हैं। अब एक रेफरेंस पीरियड देखिए आप, जुलाई 2021 से लेके अगस्त 2021, जुलाई अगस्त या 21 और 22 तक, भाई साहब नॉर्थ अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में और कनाडा में पेट्रोल प्राइसेस वेंट अप व्हाट 43% एंड 46%, और इंडिया में दे ओनली वेंट अप 2%। इनफैक्ट आप किसी भी तरीके से देखिए, अभी एक मॉर्गन स्टैनली की स्टडी आई है और दुनिया भर के, कि दुनिया में इफ देयर इज अ ब्राइट स्पॉट एनीवेयर इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दी
अनसर्टेनिटी इट इज इंडिया, ये मैं नहीं कह रहा, मॉर्गन स्टैनली कह रहे हैं, आईएमएफ का मैनेजिंग डायरेक्टर कह रहे हैं। हमारे यहां वी हैव बीन एबल टू इंसुलेट आवरसेल्व्स फ्रॉम द एनर्जी क्राइसिस थ्रू अ नंबर ऑफ मेजर्स। एक हमने एक्साइज कम किया, दूसरे हमारी ऑयल कंपनीज ने ये इंश्योर किया कि उनको वाकई घाटा हो रहा हो, पर उन्होंने उस चीज को अगर वो बढ़ाते जाते दाम, कुछ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज ने नहीं किया। अब हमारे 77,000 पेट्रोल बंक्स हैं इस देश में, जिसमें 22,000 प्राइवेट सेक्टर, उन्होंने नहीं कम किया, बट पब्लिक सेक्टर कंपनीज ओएमसी ने किया। सो दैट वाज वन वे वी वर एबल टू स्टॉप इट। ऑल्सो जैसे हमारे भारत के आसपास के देश हैं कई, वहां पे अब मैं नाम नहीं लूंगा किसी कंट्री का, बट एवरीबडी नोज देर आर शॉर्टेजेस, देयर प्राइसेस आर एग्जॉर्बिटेंट। हमारे यहां रिमोट कॉर्नर में भी, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर हो चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, एक दिन भी हमने शॉर्टेज नहीं आने दी। सो इट हैज बीन अ प्रीटी स्ट्रांग नेविगेशन एट द लेवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, सो दैट हमारे यहां स्टेबिलिटी रही है। आगे क्या होगा, अब देखिए कोविड के दौरान मार्च 2020 में पेट्रोल इंटरनेशनल प्राइस पर बैरल हैड कम डाउन टू $19.56, आज $96 है, पिछले चार पांच दिनों में और ऊपर गया। तो इस समय हमारी जो, आई डोंट आंसर हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बिकॉज ये मार्केट रिलेटेड है, बट हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की तो यही कोशिश रहेगी कि प्राइसेस रिमेन स्टेबल। पॉलिसी डिसीजन सर, देखिए जीएसटी में मेरी इच्छा और आपकी इच्छा तो एक तरफ है, जीएसटी में लाने के लिए यू नो इट्स अ सिस्टम ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, द फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट्स हैव टू अग्री। मुझे याद है एक अभी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग कहां हुई थी, लखनऊ में हुई थी जो लास्ट वाली, उसमें क्योंकि केरला हाईकोर्ट ने शायद ये इंस्ट्रक्शन दी थी कि इसको एटलीस्ट काउंसिल के सामने डिस्कशन के लिए रखा जाए, और मुझे जो इन्फॉर्मेशन है कि स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर नहीं माने उसका, आई मीन इट्स नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, दे गेट रेवेन्यू आउट ऑफ दिस, जिसको रेवेन्यू मिल रही है तो वो क्यों रेवेन्यू छोड़ेगा इससे। आई मीन लिकर एंड एनर्जी आर द टू थिंग, ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट विच इज वरीड अबाउट इन्फ्लेशन एंड अदर थिंग। सो आई थिंक जीएसटी के लाने के लिए इफ द स्टेट्स टेक अ मूव वी आर रेडी, आई मीन आई थिंक वी हैव बीन रेडी ऑल अलॉन्ग, दैट इज माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट, बट द स्टेट्स हैव टू बी अग्रीड। Thank you so much. Somebody in this side. Quite apart from how you implement it, that's a separate issue. But that's a question that should be addressed to the finance minister, not to me. Sir, this side, Ishan from Times Now. Since you know Kashmir is a bit of political question, I wanted to pose. Today, Union Law Minister Kiran Rijiju has written an article saying that there were historical blunders done by Nehru. First, he importantly mentions that when the accession came up, Nehru did not agree twice. So how do you see this article that... I have commented on these issues for at least as long as I can remember. I have commented on the instrument of accession. I have commented on some countries using terror as an instrument of state policy. I have commented on several of these issues. And I am one person who draws great satisfaction from the fact that today in Kashmir we are talking about development. When I used to come here some years ago, what you were dealing with is an entire professional cadre of stone pelters. Now what Kiran Rijiju is saying, and I totally agree with what he's saying, but there are things he said initially, which is that why was the issue taken first of all to the international or multilateral forum. See, my information all along has been that the then Maharaja was happy to sign the instrument of accession. Okay, Maharaja Hari Singh. That's my information. That's what I've read as a student of history. But somehow the political leadership in Delhi was saying, I mean, I read a quote today, which has come in one article. I read it hurriedly early in the morning, saying that they wanted it to be more broad-based and therefore they wanted... A plebiscite, or they wanted to take it to a multilateral forum. I think you can't have a higher degree of folly than that. Folly, I use the word mildly. I mean, this is your problem. You have to resolve it. The state is exceeding.
Why are you wanting to take it? Is your, you know, you may have friendship or association with the then colonial power, you know, the British. You may have been educated in England. But what makes you think that that colonial dispensation, which has succeeded in impoverishing India over a 190 years period? You know, the GDP of India, as per historian called Angus Madison, a Cambridge historian, in 1750, India contributed something like 25% of the global GDP. And after 190 years of association, after 1757, you take 190 years, you were down to what, 2 or 3% of global GDP. Now, is it an error of judgment? Well, you can say a man made a mistake, but you can't justify it. And I also read a comment by someone else saying it was not his fault. Arre bhai, dekho, the historical facts are staring you in the face. That making that reference and calling for a plebiscite, etc., was a, I don't think it's a folly, I think it's a monumental blunder. So I agree with my dear friend and colleague Kiran Rijiju entirely. But I also tell you something. Because you made that mistake, other people took advantage of it. How did they take advantage? I mean, one country has been using instrument as a terror as an instrument of state policy. I gave an interview 20 years ago. We are in 2022. Main baat kar raha hu 2002 ki hai na, wo hard talk. 2002 na? 2001. Even more than 22 years ago. 23 years ago. 21 years ago. Sorry. Now, this was an interview on BBC Hard Talk. You can still see it. And in 2001, I had said, this is a problem created from across the border. But they could create that problem because we or somebody on our side had allowed them to do it. That is the real story. You know, in all this discussion on terrorism, people are not able to understand that the terrorist takes away the most important right of all, that is a right to life. Because democracy is based on resolution of differences. But if somebody is using a gun in order to enforce his point of view, he's taken up human rights ki baat karte hain. But the most fundamental right is the right to life. And the terror instrument takes that away. The terrorist takes it away. So it is absolutely important to understand that, and it is crucial for us to know what we are dealing with. Therefore, when I come to Kashmir now, when I was civil aviation minister, aapke yahan kitni footfall tha Srinagar mein? 32,000 se leke 40,000 ek din mein. Mai is saal kitna hua? 1,20,000 ho gaya. Okay, what is the major demand now? We had a summit meeting of what is it, CREDAI? Or one of our Naredco in Jammu. We are going to do one here because of the special features of 370. I mean, here it was meant to help the state. It became a millstone around it. Nobody could make an investment here. See the difference now. Now people are investing in economic development in the state of J&K because of the government's far-sighted decision to remove that millstone around the state's neck. So I think when I came here, I thinking मुझे किसी ने बताया कि नहीं है आप local issues पूछेंगे कितने नए national highway projects sanctioned हुए हैं 370 के बाद 25,11,721 crore 168 MOUs have been signed amounting to 13,600 crore in 2 years after abrogation of Article 360 and 35A 7 new medical colleges sanctioned. Medical seats increased from 500 to 955. World's highest railway bridge over Chenab River completed in April 21. Vande Bharat Express from Jammu to Delhi is in operation. Tourist footfall increased dramatically, maine bataya aapko. Under the Ministry of PNG, hum 12 lakh Ujwala connection de chuke hain. 50,000 ghar sanction hua hai Pradhan Mantri Awas Yojana. 60% decline in terror activities. Dekhiye, ye terror from outside and the stability and situation inside, there is a coefficient, there is an umbilical relationship. Aap destabilize karte hain, kaun karte hain, kiske kehne pe karte hain, uske saath state suffers. And then you say, bhai, badi hamare yahan problem hai, isliye ye ho raha hai. So I think Kiran
आई एम सॉरी आई हैव गिवन यू अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव आंसर. किरण ने जो बोला बिल्कुल सही बोला है और मैं मानता हूं कि इस चीज पर जब लोगों को जानकारी मिलेगी और वही लोग देखिए भारतीय जनता पार्टी इस समय अब मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूं वी आर नॉट ओनली द वर्ल्ड्स इंडियाज लार्जेस्ट पार्टी वी आर ऑल्सो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी. हमारे आपने परिवारवाद की कभी बात सुनिए कोई होगा हमें बड़े मशीन में वन मैन सेज के मेरे बेटी को टिकट दे दो या वो कर दो बट वी आर भाई इट वॉज 2002 हार्ट टॉक जनवरी फरवरी मैं इट डजंट मैटर 2001 या 2020 साल पहले मैं ये कह रहा हूं कि वी आर अ प्रोफेशनल डेमोक्रेसी परसुइंग क्लिनिकली थ्रू डेवलपमेंट दिस इज व्हाट वी आर डूइंग. बाकी लोगों के आप मुद्दे देखिए कल कोई बयान दे दिया युवा नेता ने कि वो रेलवे प्राइवेटाइज हो रही है पता नहीं कहां से एक तो एडवाइजर भी पता नहीं कहां से ढूंढ के लाते हैं. तो आप देखिए इसके जो आपने सवाल पूछा 1947 में गलती हुई उससे पहले गलती हुई अपीजमेंट की पॉलिसी चली आई डोंट आई एम सिंस यू आस्क मी अ क्वेश्चन आई एम वेरी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू इट इन विद फुल फैक्ट्स एंड फिगर्स. थैंक यू सो मच सर.